हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स साइशस लाइफ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ये पॉर्क एंड ये सरसों का साग है। तो मैं अभी इसे बनाने जा रही हूँ, आप रेसिपी देखिएगा। उससे पहले यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसके बाद तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा पाँचफोरन प्याज डाल देंगे, दो चिली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है रेड रेड होने तक। अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फिर से मिक्स करना है अच्छे से। तो इसको अच्छे से पकने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पोर्क। पोर्क को भी अच्छा से यहाँ पे मिक्स करना है, चलाना है। यहाँ पे मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, इसको मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ेंगे थोड़ा सा टोमेटो, जीरा पिसा हुआ, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सिम करके कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद ऐसा होता है, बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का साग। इसको अच्छे से चला के मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ 15 मिनट्स तक मैं कुक करूँगी। थोड़ा सा पानी भी डाला है मैंने। आफ्टर 15 मिनट्स ये ऐसा पक जाता है। थोड़ा ग्रेवी भी निकाला है मैंने, देखिए। एंड इट्स रेडी, गरम गरम अभी मैं इसको खाऊंगी। ये रहा पॉर्क एंड सरसों का साग का करी। माय पॉक करी इज रेडी, अब मैं खाने वाली हूँ। कैसा हुआ है टेस्ट करेंगे, अच्छा ही होगा, बहुत मन से बनाया है। टेस्टी। और माय फेवरेट। Bye-bye.